बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिट्ठी लिखकर आरजेडी से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी तबीयत शुक्रवार देर रात ज़्यादा बिगड़ गई। रात के करीब 12 बजे के करीब उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। शरीर में नमक की कमी और रक्त संचार नहीं होने की शिकायत सामने आ रही है। रघुवंश प्रसाद का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है, जहां डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर निगरानी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। जिस वक्त उन्हें एम्स लाया गया, उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया। यहीं उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने की सूचना आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं दिल्ली एम्स में शिफ्ट कराए जाने के बाद गुरुवार को रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के नाम लिखा गया एक पत्र सामने आया। इसमें उन्होंने आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उनके आरजेडी से इस्तीफे को लालू प्रसाद यादव ने पत्र लिखकर नामंजूर कर दिया था। साथ ही उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आरजेडी के संस्थापक सदस्य रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव ने रांची के अस्पताल से ही उन्हीं के अंदाज में एक पत्र लिखा। आरजेडी सुप्रीमो ने पत्र में लिखा कि प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, अभी मेरा परिवार और पूरा आरजेडी परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्दी स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक बाहुबली नेता रामा सिंह के आरजेडी में शामिल करने की अटकलों से रघुवंश प्रसाद सिंह खासे नाराज थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी में रहते हुए सभी पदों से इस्तीफा देकर रामा सिंह को आरजेडी में शामिल करने का खुलकर विरोध किया और इसके लिए उन्होंने पार्टी की आलाकमान को पत्र लिखे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पत्र के जरिए साफ तौर पर कह दिया कि अगर रामा सिंह आरजेडी में शामिल होते हैं तो पार्टी से उनका कोई नाता नहीं रहेगा, जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने एक पत्र लिखकर आरजेडी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था।